हाय दिस इज़ विनीत थियर सो आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड तो कल हमारा आई बी पी एस अरबी क्लर्क का मेन्स एग्जाम था तो बिफोर स्टार्टिंग द अर अरबी पी ओ का मेन्स का मॉक एनालिसिस, मैं आपके साथ अरबी क्लर्क मेन्स का अपना अटैम्प्ट शेयर करना चाहता हूँ जस्ट अ सेकेंड तो ये तो आप देख सकते हैं कि मेरे अटैम्प्ट क्या रहे हैं तो so, टोटल मैंने टू हंड्रेड में अराउंड वन फोर्टी फोर वन फोर्टी फाइव भी किया जितना मुझे याद था वो मैंने लिखा है तो एल में आप देख सकते हैं थर्टी फाइव अटेम्प रहा मेरा फोर्टी में एल आर में बोलूँगा ईजी था ईजी था मॉडरेट भी नहीं कहूँगा अगर मेन्स के लिए आप प्रिपेयर करके जा रहे हैं तो लेवल ईजी था कॉन्ट्स डिफ़िकल्ट था मॉडरेट तो डेफिनेटली था जो डी थे वो टफ थे बट मेरा काउंट्स थोड़ा ठीक है तो मैंने ट्वेंटी एट मैनेज कर लिया ट्वेंटी एट हो गया था मेरा इंग्लिश इजी था मैं तो बोलूँगा तो थर्टी एट मेरा बना लोग फोर्टी फोर्टी भी करके आए हैं बट डिपेंड करता है एक्यूरेसी क्या रहेगा सबका जी ये आई शुड हैव डन अ बिट बेटर उतना मैं अच्छा नहीं कर पाया जितना कर सकता था मुझे कुछ कुछ क्वेश्चन आते थे बट फिर भी पता नहीं मैंने मार्क नहीं किया बट ठीक है अराउंड फिफ्टीन किया था मैंने उसमें बट एक्यूरेसी अच्छा था मैंने चेक किया जैसे कि तो ऑलमोस्ट सब करेक्ट है मेरा कंप्यूटर में मैंने ट्वेंटी एट किया फोर्टी में इसमें भी एक्यूरेसी लगभग मैंने चेक किया जितने क्वेश्चंस अवेलेबल थे जिसके सॉल्यूशंस तो करेक्ट ही है तो देखते हैं अब ओवरऑल स्कोर क्या होता है अकॉर्डिंग टू मी सब स्टेट्स का जो कट ऑफ है वो वही वन फोट वन थर्टी वन ट्वेंटी फाइव टू वन फोर्टी के रेंज में रहेगा डिपेंडिंग अपॉन द वेंसीज़ तो आई थिंक ठीक अटैम्प है अगर आपके वन के ऊपर और एक्यूरेसी अच्छा है तो मतलब मच बेटर एक्चुअली सो let's सी वॉट हैपन्स तो अभी मैं आपको आर आर बी पी मेन्स का अपना मॉक एनालिसिस बता देता हूँ सो so, ये मॉक टेस्ट टू है बाईजूस पे आर आर बी का तो थोड़े दिन पहले मैंने आर आर बी पी मेन्स का मॉक वन डाला था आपको आप देख सकते हैं वो वीडियो तो उससे बेटर आया है इसमें मुझे उसमें मुझे अराउंड हंड्रेड एंड एलेवन कुछ आया था परसेंटाइल तो नाइन्टी एट ही था इसमें नाइन्टी नाइन दिख रहा है आपको क्या परसेंटाइल है इधर नाइन्टी नाइन पॉइंट वन सेवन एक्रेसी भी बेटर हुआ है नाइन्टी वन था इसमें नाइन्टी टू है अब अब नाइन्टी रखने की कोशिश करनी चाहिए हमेशा सो so, देख सकते हैं आप टोटल अटेम्प्ट मेरे वन थर्टी फोर रहे उसमें वन ट्वेंटी फोर करेक्ट है और टेन रॉन्ग है जो कि ठीक है तो रैंक तो ठीक है अब परसेंटाइल इतना है तो पता ही है रैंक अच्छा है स्कोर इज़ गुड ओवरऑल तो आपको मैं सेक्शनल वाइज अपना दिखा देता हूँ तो मुझे रीजनिंग के सेक्शन में थर्टी थ्री पॉइंट फोर फोर आया फिफ्टी में बट और कर सकता था बट मैं आप देख सकते हैं टाइम कम दिया तो मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया मेरा जो स्ट्रैटेजी है मैं पहले कंप्यूटर करता हूँ फिर इंग्लिश फिर जी तो ये जो तीन सेक्शनस है मैं ये पहले करता हूँ क्योंकि आप देखेंगे तो इसमें स्कोर आप ज़्यादा फास्ट फैच कर सकते हैं इंग्लिश इज़ अराउंड फोर्टी मार्क्स एक मार्क मिलेगा एक क्वेश्चन का जी ए इज़ ऑल्सो वन मार्क फॉर ईच क्वेश्चन तो आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं अगर आपको अच्छे से आता है तो और कंप्यूटर पॉइंट फाइव मार्क्स होता है बट वो भी काफ़ी बनाने लायक होता है तो वो मैं पहले कर लेता हूँ फिर जो टाइम सेवेंटी सेवेंटी फाइव मिनट्स ट्राई करता हूँ मैं हालाँकि एग्ज़ाम में आर आर बी क्लर्क के एग्ज़ाम में मेन्स में ज़्यादा टाइम बच गया था रीजनिंग और कॉन्ट्स को क्योंकि ईजी थे क्वेश्चन काफ़ी रीजनिंग के तो कॉन्ट्स को अच्छा खासा टाइम दे पाए तो मेरा ट्वेंटी एट हो गया था तो अब इस पर ही आते हैं वापस तो इसमें मेरा इतना अटैप्ट हुआ कौनस टफ़ था तो मैंने गलत तो कुछ नहीं किया जितना किया सही था तो सेवेंटी पॉइंट फाइव आया तो पर्सेंटेज भी देख सकते हैं अराउंड नाइन्टी है तो टफ था इससे पता चलता है जी मेरा थोड़ा कब कवर हो गया था तो ठीक आया है ट्वेंटी वन आया तो आप देख सकते हैं चार रॉन्ग वो है <coughs> इंग्लिश में मुझे थर्टी टू पॉइंट टू फाइव आया है विच इज़ गुड फॉर अ पीओ मीनस मॉक तो मैंने अराउंड थर्टी सिक्स कर दिया था थर्टी थ्री करेक्ट है तीन रॉन्ग है तो so, पर्सेंटेज आप देख सकते हैं कि नाइन्टी नाइन पॉइंट सेवन सेवन है मतलब तो काफ़ी अच्छा है कंप्यूटर में मैंने ट्वेंटी एट ही किया था दो रॉन्ग हुआ है थर्टीन पॉइंट सेवन फाइव आया है विच इज़ फाइन कंप्यूटर में थोड़े अलग अलग क्वेश्चन थे इसमें तो so, वो मैंने रिस्क नहीं लिया जितना मुझे आता था उतना कर दिया तो इतना आ गया सो so, तो आप फाइनल स्कोर तो आप देख सकते हैं तो आप बताइएगा अगर आपने ये मौक़ दिया तो आपको कितना आया एंड लेट मी नो अगर आपको इसका क्वेश्चन और इन डेप्थ एनालिसिस चाहिए तो मैं उसका भी वीडियो लेके आ जाऊँगा आपके लिए सो थैंक यू एंड अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो डू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी अपडेट And all the best.